नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है जी ट्रेवल्स पे। और जैसा कि देख सकते हैं, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा जी ट्रेवल्स का, तो हमारे एसपी भाई फिर से आए हैं हमारे बीच में। मैं तो ट्रेवल करता ही रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस बताता रहता हूँ, तो एसपी भाई भी घूमते टहलते रहते हैं इधर उधर, काफ़ी जगहों पर काफ़ी लोगों से मिलते रहते हैं और काफ़ी कुछ हमसे शेयर करते रहते हैं। मैं भी उनसे शेयर करता रहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, कहीं सी नई जगह को एक्सप्लोर करने के, कुछ नई जगहों को ढूंढने के, कुछ नई जगहों पे खाने पीने की चीज़ें, मतलब सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, बहुत सारे डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग मिले हैं और आज हमने सोचा क्यों ना दोस्तों कुछ ट्रैवल पर बातें होते की जाएँ। तो इसी क्रम में एसपी भाई भी मिल गए संयोग से बैंगलोर में, तो हमने कहा चलो ये अच्छा टाइम है, क्यों एसपी भाई, तो कुछ बातें करते हैं। तो दोस्तों, आज एसपी भाई से बातें करेंगे ट्रैवल के बारे में। इन्होंने भी बहुत सी जगहें घूमी हुई हैं इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में भी काफ़ी जगहों पे। और मैं तरह तरह के लोगों से जब भी मिलता हूँ ना, चाहे किसी भी एज के ग्रुप के लोगों में सबसे मिलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि 70-80 के आसपास की एज के हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, उनसे भी उनके एक्सपीरियंसेस लेता हूँ मैं। बहुत सारे नए लोग हैं जो कि 18-20 साल के हैं, वो भी घूम रहे हैं, उनसे भी पूछता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि घूम रहे हैं, उनसे भी पूछता रहता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस। तो आज इसी क्रम में एसपी भाई से चलिए बातचीत करते थोड़ा ट्रैवल के बारे में। जैसा मैंने अपना वादा किया था कि दोस्तों ट्रैवल पे हम जो है कुछ पॉडकास्ट करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी हमें अनुभव हैं, हमारे जो अच्छे अनुभव हैं, बुरे अनुभव, सब कुछ जो भी हमें जानने को मिल रहा है वो सब शेयर करेंगे। तो एसपी भाई, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत जी ट्रेवल्स पे। संयोग से आप मिल भी गए हैं बैंगलोर में, तो चलिए आपसे आज डिस्कशन करते हैं, कुछ बातें पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जनता से भी बात करते हैं और फिर जो है हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन एसपी भाई ये है कि देखिए, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं ट्रैवल को लेकर, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन है मेरा, मैं जानना चाहता हूँ इस चीज़ को। अच्छा हुआ आजकल तो ट्रैवल की बातें हो रही हैं, पहले तो ट्रैवल की बात ही नहीं होती थी। पहले तो ट्रैवल के नाम पे होता था कि नानी के घर चले जाओ, फुआ के घर चले जाओ, सही बस वही हो गया, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, ऐसे सब बातें हो जाती। आजकल तो ट्रैवल के बारे में इंडिया में बातें हो रही है, वरना ये सब फॉरेन में ही हुआ करता था। अच्छा है अपने गूगल बाबा का, जिसकी वजह से लोग इंडिया में भी ट्रैवल को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मेरी नज़र में ट्रैवल सबसे जरूरी चीज है। आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन ट्रैवल जरूर करें। पूरे वर्ल्ड में जितने नई नई चीजों की खोज हुई है, उसका बहुत बड़ा योगदान ट्रैवल की वजह से है। तो आप इसको दिमाग में रखिए और ट्रैवल करने के बारे में सोचिए। सबसे पहला चीज होता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है उससे। आप जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नई नई चीजों को सीखते हैं, वहाँ के लोकल लोगों से बातें करते हैं, नए नए बिजनेसेस को देखते हैं, नए नए लोगों को अलग तरीके से काम करते हुए देखते हैं, फिर आप उस चीज़ों को हो सकता है कि अपने अंदर अडॉप्ट करें, तो पर्सनल ग्रोथ तो कमाल की होती है। दूसरा चीज होता है करियर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको। कि भाई आप इधर देखिए कैमरे की तरफ। अच्छा कैमरा इस साइड है दोस्तों, हाँ देखिए। तो आपके करियर में भी नए चेंजेज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत स्मॉल कैटेगरी का ही आदमी हो, लेबर कैटेगरी का आदमी हो, वो सपोज मैं यूपी से हूँ तो यूपी में काम करता है, सेम वही चीज़ वो बैंगलोर आता है किसी अपने दोस्त के यहाँ घूमता है फिरता है, वहाँ सपोज उसको 5000 पर मंथ मिल रहा है, ड्राइवर वो है, हो सकता है वो बैंगलोर आए और दोस्तों से मिले, लोगों से मिले, तो शायद उसको ड्राइवर की ही जॉब 20,000 में मिल जाए। हाँ। तो ये देखने का नजरिया है। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं यूपी में कोई बिजनेस करता हूँ, सपोज बैंगलोर आता हूँ या कहीं फॉरेन कंट्री जाता हूँ, तो मुझे अलग बिजनेस, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, अलग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती है। तो कैरियर वाइज भी हमको बहुत सारी चीजें जानने को समझने को मिलती है। बट एसपी भाई, ऐसा आपने बोला कि आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, तब भी आप ट्रेवल करिए, तो ये बताइए अगर पैसा ना हो तब कैसे हम ट्रैवल करें, मतलब उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ पैसे जुटाने पड़ेंगे, या फॉरेन में ऐसे कल्चर है कि लोग घूमने जाते हैं तो भाई वो छोटी मोटी कुछ जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी उन्होंने पूरी कंट्रीज ट्रैवल की, ऐसा नहीं है 20-30-40 कंट्रीज पूरा यूरोप ट्रैवल किया, तो उन लोग क्या करते हैं कुछ छोटी मोटी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं बीच में लोग, क्योंकि वहाँ पे ये भी है कि कोई काम छोटा नहीं माना जाता बाहर के, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अच्छा हम ये काम करेंगे कुछ करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप कल्चर भी नहीं है। तो फिर जिस जो मतलब जो फाइनेंशियली जो पैसा मान लिया हमारे पास नहीं है और हमें घूमना है, तो क्या क्या वेज उसके हैं, मतलब क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कैसे उस चीज़ को पूरा किया जाए, क्या आपका क्या विचार है इसमें? अभी तो पहला टॉपिक तो यही है ना कि ट्रैवल क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब ट्रैवल कैसे किया जा सकता है, कम पैसे में कैसे किया जा सकता है, इसको किसी अनदर वीडियो में डाल दिया जा सकता है, ठीक है। अभी तो इस बात पे कंसंट्रेट किया जाए कि
ट्रैवल क्यों जरूरी है। हाँ, किसी के लिए भी बिल्कुल। मेरा जैसा आपने बताया, दो पॉइंट तो आपने अच्छे अच्छे बताए कि आपको मतलब आप लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की चीजें, आप अपने एक जोन से बाहर जाके देखते हैं कि दुनिया कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने बताया कि बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर, बिजनेस, एनीथिंग, लर्निंग में भी मैंने एग्जांपल दिया और बिजनेस वाइज भी दिया। तीसरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रैवल का, हो सकता है आपके लिए डिफर करो, बट उससे क्या है, हम मेंटली भी काफी स्टेबल होते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, बहुत सारे लोग एंजाइटी में हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर लौट के आते हैं, तो उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है। सही बात है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं और वहां से जब लौट के आते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो ये भी एक मेरे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा पॉइंट है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर कहीं ट्रैवल में जाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखते हैं। हो सकता है मैं करियर वाइज नहीं वो कर रहा हूँ, हम पर्सनली कुछ नहीं सीखना है, बट हम निजी जीवन में कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए सही होता है। सपोज करो हमारा बिहेवियर स्किल चेंज हो सकता है, हमारे चीज को हम कुएं के मेंढक नहीं बनने के रहते हैं, हमें समुद्र की मछलियाँ भी दिखती हैं। सही बात है, तो ये चीज होती है। दूसरा और भी बहुत सारे यूनिक यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे फ्यूचर में हम अपने नेक्स्ट पीढ़ी को दे सकते हैं। सही बात है, और वर्ल्ड की कोई भी सिटी कंट्री का ग्रोथ हुआ है वहां के आसपास के ट्रैवल की वजह से। आप देखिए वर्ल्ड की जितनी सिटी डेवलप्ड हुई है ना, वो आपके कोस्टल एरिया वाले ही पहले क्यों डेवलप हुए? हाँ, क्योंकि ट्रैवल का पहला माध्यम पहले जो है सी से था। तो वाया सी था। अब इंडिया का एग्जांपल लीजिए, इंडिया में टॉप 20 सिटी लाई है, तो उनका जो बेस्ट सिटीज होंगी ना वो कोस्टल एरिया होंगी, चेन्नई, उसके बाद आपका मुंबई, गुजरात के वो सब, या स्टेट वाइज केरला ले लो, स्टेट वाइज भी। वर्ल्ड में भी जाओगे तो मियामी, एलए, अगर पता नहीं एलए है कि नहीं है, मतलब जितनी है कोस्टल एरिया वो ज्यादा डेवलप पहले मिलेंगी। अब चूंकि ड्यू टू टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें, अब तो बीच की जैसे बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हुआ है क्योंकि ट्रैवल है, वहां के आसपास से पहले सामान, सपोज करो चाइना से यूएस कुछ जा रहा है, तो किसी बंदरगाह पे रुकेगा, बंदरगाह किसी कंट्री के कोस्टल एरिया पे होगा, इसलिए वो हुआ, मतलब कि वहां से एक रास्ता गुजरा है। हाँ हाँ। दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हम लोग के यूपी में एक वो है कि रोड के साइड जमीन लो, उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि वहां से चीजें गुजर रही है, ट्रैवल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है। काफी अच्छा पॉइंट आपने बताया, ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट था ये। हाँ। जो मतलब जगहों का विकास हो रहा है ट्रैवल की वजह से। और सही बात है, पहले लोग मतलब समुद्र मार्ग से ट्रैवल करते थे। हाँ। उस बीच में काफी चीजें एक्सप्लोर हुई और वहां पे पोर्ट बन गए, उन जगहों पे लोग ट्रैवल करें, तो उसके बीच में विकास हुआ। करेक्ट, तो सही बात है ये, मतलब काफी अच्छा पॉइंट है। इस सारे पॉइंट सिर्फ ये कह रहा है कि आप किसी जब नए लोगों से, नए जगह से मिलते हो, जैसा कि ट्रैवल में होता है अक्सर, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आप कुछ सीखते हो, आपका मेंटली आपका एक्सचेंज होता है विचारों का, तो आप मेंटली स्टेबल होते हो। उसके बाद आपके अंदर थोड़ा एडवेंचरस भावना भी आती है, सपोज नया आदमी मिला तो पॉजिटिव डाला, कुछ नया करने के लिए डाला। करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बंदरगाह रुके वहां लोगों को काम मिला, नए नए कनेक्शंस डेवलप, कनेक्शन डेवलप, लोगों से मिलेंगे, कनेक्शंस डेवलप होंगे, लोग आप देखें क्या कर रहे हैं, आपके अलावा जो आप सोच सकते हैं कि लोग कर सकते हैं उसके अलावा क्या हो रहा है और क्या। करेक्ट, तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ट्रैवल करने से, इसलिए ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। कोई अगर ये कह रहा है कि बस साल भर अपने क्यूबिकल में बैठ के सॉफ्टवेयर की ही जॉब करते रहो पूरी लाइफ, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में बहुत स्किल्ड हो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया महीना कमाओ, लेकिन बाकी चीजें छूटने लगी। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसी क्रम में, थोड़ा मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 15-20 साल से तो घूम ही रहा हूँ, वो भी बाइक कार और इंडिया लगभग मतलब 60-70% तो कवर किया है, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है, ऊपर थोड़ा पंजाब और फिर ऊपर का जो साइड है हिमाचल से और ऊपर का वो थोड़ा बचा हुआ है, लद्दाख और उस साइड का, और अगर इधर देखेंगे तो राजस्थान बचा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने पूरा ट्रैवल किया है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ बचा होगा बीच में, झारखंड वैसे तो हो चुका है। तो सबसे खास जो मुझे लगता है कि मतलब बिल्कुल अनसर्टेनिटी को हैंडल करने की आपके अंदर एक बहुत बड़ा एक मतलब एक पॉइंट बहुत बड़ा कि आप जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि नेक्स्ट मूवमेंट कैसे जा रहे हो। मैं तो जैसे प्लान करता हूँ एसपी भाई, बहुत सारे ट्रैवल जी ट्रैवल्स पे, तो मैं बिल्कुल अनप्लान करता हूँ, मतलब मैंने गाड़ी उठाई, मैं निकल गया, ना कोई बुकिंग है ना कुछ है, ठीक है, और
प्लान कर मतलब ट्राई करता हूँ कि थोड़ा इकोनॉमिकल हो, बहुत कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है तो उसमें मतलब मनी को भी देखना पड़ता है, बट मैं निकल जाता हूँ और बस चलता रहता हूँ। तो अनसर्टेनिटी जो है ना उसको देखने समझने और हैंडल करने की क्षमता मिलती है, जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ हेल्प करती है, क्योंकि वो भी अनसर्टेन है, लाइफ भी अनसर्टेन है, हम नहीं जानते कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है, वो भी इतने आफ्टर दिस कोविड अभी कितना कुछ हार्ट फेल हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, सब कुछ ठीक है। और मैं सही बताऊं, मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत सफल सफल लोगों से जो कि बिजनेस में ऊपर गए, कई चीजों में ऊपर गए, तो उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है ना मैक्सिमम लोगों का, वो यही है कि उन्होंने बहुत कम ट्रेवल किया। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस कि वो अपना बिजी थे कैरियर में, वो बिजी थे पैसा कमाने में, बट लास्ट में उनको ऐसा आता है कि अरे यार ये मतलब घूमा नहीं मैंने, ये काफी टाइम निकल गया। और फिर एक सर्टेन एज के बाद आजकल तो वो 40 45 50 हो गई है कि मतलब आदमी जो है उसके घुटने जवाब दे दे रहे हैं, उसकी हेल्थ कंडीशन काम नहीं कर रही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे जो लगा, ये सारी बातें उसी के अंदर आती है जो मैंने कहा कि एक लर्निंग मिलती है और एक एडवेंचर मिलता है। जैसे 7-8 पॉइंट में लर्निंग और एडवेंचर तो वही हुआ है कि जब आप नई चीजों को फेस करेंगे कुछ सीखेंगे, वो अनएक्सपेक्टेड चीज आएगी तो सीखेंगे सब कुछ, भाई चलोगे तो गिरोगे, सही बात, तो वहां से लर्निंग का एडवेंचर भी आएगा, कहीं गए रास्ते के जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो गई, हाँ। तो भी एक एडवेंचर भी होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, कैसे टैकल करना है उस सिचुएशन, हाँ, नई 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 कंडीशंस को कैसे टैकल करना है। और सारी और 2-3 चीजें हैं, कुछ लोग ट्रैवल बस एक स्थान से गए, सारी चीजें प्लांट वे में कर दी है और करके चलाए, उसमें उतना मजा नहीं है जितना मजा है कि आप वहाँ अननोन जगह, लोकल एरिया, लोकल लोगों से बात करें, देखें, समझे, रुके, इन सारे पॉइंट को अपने दिमाग में रखें कि हमें कुछ सीखना भी है, अपने आप को भी इम्प्रूव करना है, करियर वाइज भी मैं क्या देख सकता हूँ, थोड़ा एडवेंचर भी हो। एडवेंचर तब होगा जब सब कुछ प्लान या वो नहीं रखेंगे। और कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में कुछ सोलो ट्रिप करने का, उसका मजा अलग अलग मतलब एडवेंचर आएगा। और खास इसमें एक बात और ऐड करूंगा मैं, देखिए आप घूमते घूमते दोस्तों अगर आपको उसमें मजा आएगा ना तो उसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, यू कैन मेक ट्रेवल एज अ प्रोफेशन। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी स्ट्रीम चेंज हो गई, पहले इंजीनियरिंग हुआ मतलब हुआ करती थी, डॉक्टरी हुआ करती थी, और भी मतलब कुछ बेसिक चीजें थी, लोग आईएएस पीसीएस बनते थे, बट आजकल दोस्तों ट्रैवल भी एक अपने आप पे इतना बड़ा एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा एक पूरा उसका एक पोर्टफोलियो बन चुका है कि लोग घूम रहे हैं, तरह तरह की ये जान रहे हैं, उसमें अपना काम धंधा भी कर रहे हैं, उसको उन्होंने प्रोफेशन बना लिया। आप देखिए ना कितने सारे ब्लॉगर्स हैं और सब कुछ, तो बहुत ही मतलब एक अलग यूनिक चीज़ है दोस्तों। और ट्रैवल में तो सबसे बोलता हूँ, अभी मैं जल्दी लाऊंगा एक इंटरव्यू, एक आंटी जी हैं, मैंने कई बार बोला हुआ है, उनका थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, 75 ईयर्स की हैं वो, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज ट्रैवल की हैं, अभी भी घूमती रहती हैं वो। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों इतना घूमती, क्या मिलता है, ठीक है ना, वो अकेली हैं अभी इस समय, मतलब उनकी बेटी भी है यहाँ पर रहती हैं, तो उनसे मैंने बात की थी, वो अपना कभी एक्सपीरियंस लेके आएंगी। वो बोलती है कि मुझे मतलब दुख ही नहीं होता है, आई डोंट फील डिप्रेस्ड, ठीक है, तो वो उनको ट्रैवल से मिलता है। तो इतना मतलब इतना डायनेमिक्स ट्रैवल का है ना, इतना डिफरेंट डायनेमिक्स है ना, कि एक अलग ही जोन में आपको मतलब चीजें जानने को मिल समझने को मिलेंगी। तो यही सब है दोस्तों, और क्या, आप बताइए और कुछ अगर आपको बोलना हो तो बोलिए, 2-3 मिनट में वीडियो फिर खत्म करते हैं और आते रहेंगे दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में। डिटेल्स पे काफी लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन है। लगभग 130,000 लोग चैनल पे आ चुके हैं, लगभग 500 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लोग काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं। एक वीडियो है एलिफेंट का, मैंने डाला था, उसमें लगभग 25,000 व्यूज हो गए हैं यूट्यूब पे, तो लोग काफी पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी क्रम में आपको भी लाया जाए। तो चलिए अपनी बात खत्म करिए, कुछ बोलते हुए क्या बोलना चाहते हैं आप दर्शकों से लास्ट में? मेरे लिए तो सबका अपना अपना व्यू होता है, आप अपना व्यू कमेंट में डालिए। मेरा व्यू ये कि ट्रैवल मुझे इन्हीं सब बातों को प्रेरित करता है, ट्रैवल करने के लिए मुझे बहुत पसंद आता है, अलग अलग जगह के फूड ट्राई करना, कल्चर को समझना, लोकल लोगों से बातें करना। आप अपने व्यू कमेंट में डालिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्वी भाई, आपने जो टाइम दिया और अपने विचार शेयर किए, और मैं भी जैसे घूमता रहता हूँ, मैंने भी थोड़ा बहुत उसमें एडिशन किया। तो चलिए ऐसे ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे अपने दोस्तों के बीच में, सबके बीच में, और जनता को हम बिल्कुल जी ट्रेवल्स पे ना बिल्कुल वो बाउंड होके आएंगे, उनको लगेगा कि हाँ भाई इस चैनल पे आते हैं कुछ उनको इंटरेस्टिंग मिलेगा। हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो सभी मैं लाना चाहता हूँ, और क्या क्या हम फील कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैवल, फूड, एंटरटेनमेंट, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव, कुछ भी जो है रिक्रिएशनल, ये सब लाना चाहता हूँ मैं जी ट्रेवल्स पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आते रहिए जी ट्रेवल्स पे, और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यूट्यूब पे तो पक्का ही सब्सक्राइब करिए, सारी जगहों पर करिए, और यूट्यूब पर सर्च करेंगे दोस्तों आप जी ट्रेवल बाई गौरव त्रिपाठी, लगभग मैंने 539वां वीडियो होगा जो मैं डालने जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत आभारी हम आपके, और आते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, और अपने कमेंट्स
डालिए इसमें, बताइए फेवरेट सिटी कौन सी है। हाँ, आपको क्या सीखने को मिला, आपकी फेवरेट सिटी क्या है, आपने कौन सा फूड ट्राई किया, क्या डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस हुआ, ये सब कुछ डालिए। तो थैंक यू दोस्तों, बैंगलोर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू वेरी मच।